ये वही सेम वाली है ना जो मैंने ली थी? हाँ सेम। ये चुनरी साड़ियाँ हैं। नहीं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत साड़ियाँ हैं इनके पास। ये सारे सब अलग अलग रेंज में हैं। हाँ, ये वही लगा देंगे। ये जयपुर से लेके आई हैं आप? ऐसे जयपुर में ही रहती हैं? नहीं, हमारा गुजरात का है। गुजरात का? अच्छा, गुजरात का। मुझे लग रहा था जयपुर का। अच्छा, गुजरात का है, क्योंकि गुजरात और जयपुर दोनों, मतलब दोनों ही जगह से आते हैं ये चुनरी साड़ियाँ जो होती हैं। हाँ अच्छा, हाँ इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा। नहीं, बहुत मतलब ये ना एवरग्रीन होते हैं ये साड़ियाँ हैं, इसके सूट होते हैं, ये आप कभी भी पहन सकते हो, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते हैं ये सब, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते हैं। मैं तो उधर में मैंने देखा, मैंने कहा नहीं मैं लेती हूँ ये। हम लोग क्या छठ में चलता है ये सब, छठ में लाल पीला ये सब चुनरी साड़ियाँ बहुत ही होती हैं ये। तो आप लोग यहाँ गरबा जयपुर ये सब होता है उस समय पहनते हैं? हम लोग यहाँ हर टाइम, हाँ एवरग्रीन है ये सब साड़ियाँ, देखिए। हाँ इतनी खूबसूरत खूबसूरत, हाँ शादी भी हमें चलता है ये सब। चलिए ठीक है, आप लोगों ने भी देखा है दोस्तों, देखिए कितनी खूबसूरत साड़ियाँ हैं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी, मैंने लिया है ये। और इसमें हाँ, ये साड़ी के साथ ब्लाउज पीस भी है और हर कलर में है ये। देखिए ये, देखिए ये भी बहुत प्यारा सा कलर है, ये सारे कलर प्यारे हैं इसके, ये हाँ बहुत खूबसूरत है ये साड़ी, देखिए बहुत सुंदर है। ये 5 मीटर है ना पूरे? साढ़े पाँच है। हाँ ये जब खींचेंगे ना तो प्रेस करके तो लंबे होंगे। ये भी हर रेंज में है इनके पास, ये सब हैं हर रेंज में है ये। देखिए सारे खोल के दिखा रही हैं, बहुत खूबसूरत है। देखिए ये सारे कलर इनके प्यारे हैं, देखिए। आपने जो खुद पहना है वो भी कलर बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ डार्क पिंक है, बहुत खूबसूरत है। देखिए, देखा दोस्तों, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दे, ये बहुत खूबसूरत साड़ियां हैं, ये गुजरात से लेके आई हैं। और अभी जैसे करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ में भी बहुत सारे पहनते हैं ये लोग, और दीपावली में भी चुनरी साड़ियाँ चलती हैं, और हमारे यहाँ बिहार यूपी में तो ये छठ में चलता है। आप लोगों ने देखा बहुत खूबसूरत साड़ी है, और मैं इनसे कल भी बात करूँगी, कल भी आऊँगी। अगर मैं और वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों के सामने उसको दिखाऊँगी, आपके लिए भेजूँगी। धन्यवाद, शुक्रिया।